सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि कल से किसी भी भाई को पेमेंट नहीं मिला और बहुत कम लोगों को, नए के बराबर लोगों को पावर बैंक एप्लीकेशन ने पेमेंट दिया है, जिसमें से मैं एक था। और पावर बैंक ने मेरे को 6:30 पर पेमेंट दिया, और उसका मैसेज भी मेरे को, जो क्रेडिट हुआ था बैंक में, उसका मैसेज भी मिला। पिछली वीडियो में जो बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट दिखाना भूल गया था, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैंने जो 2 घंटे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ महान विभूति लोग बोल रहे थे कि ये पागल बना रहा है, ये ऐसा है वैसा है, कि ये कंपनी भाग गई है, साले मेरे को ही गाली दे रहे थे। अब बोलो, नेकी कर दरिया में डाल, ये बात कर रखी है। अब इन सब लोगों को देखकर मेरे को एक ही बात याद आती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो भाई लोग, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी आती है, शुरुआत में पैसा दे रही है, तो उस पर पैसा लगाएं, एक सीमित मात्रा में पैसा लगाएं, न कि ठीक है 50,000, 60,000, 1 लाख। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोल रहे थे मेरा 1 लाख चला गया, मेरा 75,000 चला गया, मेरा 45,000 चला गया। क्यों? गलती आपकी है भाई लोग, आपने इतना क्यों लगाया? ये कंपनी का क्या फंडा होता है कि कंपनी विश्वास दिलाने के लिए बंदे को पेमेंट करती है? अब आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ कि कोई भी कंपनी 2 महीना 3 महीना चल जाती है, 3 महीने बाद वो कन्फर्म भागे ही भागेगी, ये ट्रूथ है। अब पावर बैंक के भी साथ भी यही हुआ था। पावर बैंक को बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया था, उसके बाद बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसको, पावर बैंक एप्लीकेशन को प्रमोट किया, जिसके कारण इस पर ट्रैफिक अच्छा खासा हुआ और लगभग भारी मात्रा में 20-30 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट हुआ था। पिछले सप्ताह 20-30 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ था, जिसके कारण मेरे को अब लग रहा है कि कंपनी भाग ही चुकी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दोस्तों, अगर आपको पेमेंट प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हो मेरे। बाकी मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरे 1196 रुपये बने थे, ठीक है, जिसमें से 18% GST काटें तो 215 रुपये GST का होता है। 1196 से 215 रुपये घटाने पर बनते हैं 981 रुपये, जिसमें से मेरे को मिले थे मात्र 976 रुपये। अब मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि 981 रुपये बनते हैं तो 976 रुपये ही क्यों मिले? 18% GST काटने के बाद भी मेरे 5 रुपये कम मिले। अब बहुत से भाई ये भी बोलेंगे कि भाई ये तो फेक स्क्रीनशॉट है, तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप लोगों ने समझाना। मेरा काम इतना था कि मेरे को विड्रॉल प्रूफ था मेरे पास, मेरे को पेमेंट मिला, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी मैं कोई पावर बैंक कंपनी का मालिक तो हूँ नहीं जो आपको रिफंड करता फिरूँ, मेरे खुद के पैसे डूबे हैं भाई, मैं क्या करूँ? दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप पावर बैंक एप्लीकेशन से रिफंड कैसे ले सकते हो। डरने वाली कोई बात नहीं है, और चैनल के साथ जुड़े रहें, और आपका भाई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। बाय बाय।